खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मधुबन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। आरबीआई गवर्नर ने पेटीएम को लेकर क्या कहा? कितनी सस्ती हुई नेक्सॉन कार? शहरी इलाकों में कितनी कम हुई बेरोजगारी दर? बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में बेरोजगारी से जुड़ी खबर है। देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। 15 साल से ज्यादा उम्र की कैटेगरी के लोगों के बीच अक्टूबर दिसंबर 2022 से लेकर अक्टूबर दिसंबर 2023 के बीच बेरोजगारी दर 7.2% से घटकर 6.5% पर आ गई है। शहरी इलाकों में लेबर फोर्स की भागीदारी भी इस अवधि में बढ़ी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए बुलेटिन जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक शहरी इलाकों में अक्टूबर दिसंबर 2022 तिमाही के मुकाबले अक्टूबर दिसंबर 2023 के दौरान 15 साल से ज्यादा उम्र की कैटेगरी के लोगों के बीच बेरोजगारी दर 7.2% से घटकर 6.5% पर आ गई है। पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 6.5% से घटकर 5.8% पर आ गई है, जबकि महिलाओं के बीच 9.6% से घटकर 8.6% पर रही है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई का रिव्यू नहीं किया जाएगा। RBI गवर्नर ने कहा कि हम हमेशा से फिनटेक सेक्टर को लेकर सहयोग करने का रुख अपनाते आए हैं। RBI फिनटेक को प्रमोट करता रहेगा, मगर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ लिए गए फैसले का रिव्यू करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कस्टमर्स के हित में ये फैसला लिया गया है। कुछ ही दिनों में केंद्रीय बैंक इस संबंध में FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी कर देगा। उसके लिए आप सभी को इंतजार करना होगा। हमने महीनों तक इस बारे में चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है। अगर आप टाटा की नेक्सॉन कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। टाटा मोटर्स ने अलग अलग ईवी मॉडल्स पर 1,20,000 रुपए तक के डिस्काउंट का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली Nexon.EV की कीमत अब 14.5 लाख रुपए से शुरू होती है, जो पहले 14.7 लाख रुपए थी। वहीं टियागो ईवी अब 7.99 लाख रुपए से शुरू होगी। टियागो की कीमतों में भी 70,000 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि हाल ही में लॉन्च हुए पंच ईवी की कीमतें अनचेंज्ड हैं। कंपनी का कहना है कि हाल ही में बैटरी सेल की कीमतों में नरमी आई है और आने वाले दिनों में भी पॉसिबल कमी पर विचार करते हुए हमने सक्रिय रूप से रिजल्टिंग बेनिफिट्स को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है। भारत की रिटेल महंगाई जनवरी 2024 में घटकर 5.1% पर आ गई है। ये महंगाई का 3 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले दिसंबर 2023 में महंगाई 5.69% रही थी। वहीं नवंबर में ये 5.55%, अक्टूबर में 4.87% और सितंबर में 5.02% रही थी। खाने पीने के सामान की कीमतें घटने से महंगाई दर घटी है। दिसंबर की तुलना में जनवरी में सब्जियों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी में सब्जियों की महंगाई दर 27.6% से घटकर 27% पर आ गई। दूसरी ओर ईंधन और बिजली की महंगाई दर -0.60% हो गई, जो दिसंबर में -0.77% पर थी। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। संकट की इस घड़ी में एक्सिस बैंक ने पेटीएम की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाया है। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी ने कहा कि अगर RBI की मंजूरी मिल जाए तो वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इससे पहले HDFC बैंक के पराग राव ने भी पेटीएम के साथ वार्ता की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि बैंक पेटीएम के मामले पर नजर रखे हुए है। इस मामले में हो रहे डेवलपमेंट्स पर हमारा पूरा ध्यान है। इससे पहले सोमवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया था कि केंद्रीय बैंक अपने फैसले को रिव्यू नहीं करेगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। असम सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में 774.47 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है और इसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में असम की GDP 6.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में ये 5.7 लाख करोड़ रुपए था। भारतीयों की कमाई, खर्च, बचत और निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए मनी9 का
फाइनेंशियल फ्रीडम समिट एक बार फिर से आ रहा है। 14 फरवरी 2024 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में फाइनेंशियल फ्रीडम समिट की दूसरी कड़ी का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में भारतीयों के बीमा, बैंकिंग, निवेश, कमाई, खर्च और बचत से जुड़े हर सवाल का जवाब एक मंच पर मिलेगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूँ विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।